अमेरिकी राष्ट्रपति गाड़ी को लेकर विवाद है। सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने एक नई डिमांड रखी है। यह नई डिमांड है कि ट्रंप की कार ताजमहल तक ले जाने की इजाजत चाहिए उनको। यह इजाजत मांगी गई है। सूत्र यह जानकारी दे रहे हैं, ट्रंप की जो कार है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह कार वो चाहते हैं कि ताजमहल के परिसर के भीतर उनको ले जाने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए और नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे में अब क्या करेगा, क्या प्रशासन क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को इनकार करेगा या अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मांग को स्वीकार करेगा कि अपनी गाड़ी को भीतर ले जाएं? अगर इजाजत देता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगा। और ट्रंप को किस तरीके से अब यह मनाया जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को भीतर ना ले जाएं, जो भी निर्देश है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। वीवीआईपी वाहन भी ताजमहल में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि कोई भी वाहन ताजमहल में नहीं जाएगा। ई वाहन से करीब 500 मीटर तक इसमें जाना होगा और खुले में राष्ट्रपति को ले जाने पर एजेंसियों को ऐतराज है। अब मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, बातचीत चल रही है मामला सुलझाने के लिए। बहुत बड़ी खबर, ताजमहल में क्या अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि इतने बड़े देश के शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, क्या उनको इजाजत मिलेगी? क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आप वाहन नहीं ले जा सकते, आप चाहे कोई भी हो, चाहे आम हो या खास हो। तो खास हो आम को इजाजत नहीं, लेकिन क्या ट्रंप को मिलेगी?